हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। दोस्तों, हाल ही में मैंने द ब्रिज कर्स नाम की एक मूवी देखी है जो कि इसी साल रिलीज हुई है। ये एक ताइवानीज हॉरर मूवी है जिसे लेस्टर शी ने डायरेक्ट किया है और असल में ये मूवी एक रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है। सन 2016 में लीले नाम के एक स्टूडेंट ने तंघा यूनिवर्सिटी में एक अर्बन लेजेंड को टेस्ट करना चाहा था और इसी बात को उसने फेसबुक लाइव पर रिकॉर्ड भी किया था, लेकिन लीले को उसके लाइव ऑडियंस ने एक घोस्टली फिगर की तरफ पॉइंट किया, जिसके बाद लीले वहां से भाग गया था और उस वीडियो को भी डिलीट कर दिया गया था। इस अर्बन लेजेंड के हिसाब से तंघाई यूनिवर्सिटी के कैंपस में एक स्टेयर केस है जहां मिडनाइट को एक एक्स्ट्रा स्टेप मटेरियलाइज करता है और उस एरिया के पास लोगों को एक फीमेल स्टूडेंट की स्पिरिट दिखाई देती है। इस लेजेंड के कारण उस ब्रिज को सब फीमेल घोस्ट ब्रिज के नाम से बुलाते हैं और इसी लेजेंड से इंस्पायर होकर द ब्रिज कर्स मूवी को बनाया गया है। इस मूवी को IMDb पे मिले हैं 5.7 स्टार्स आउट ऑफ 10 और आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर इसी मूवी के कहानी को ब्रीफली जानेंगे। ध्यान रहे दोस्तों कि इस फिल्म में कैरेक्टर के नेम्स थोड़े अजीब हैं, तो मैं शायद उनके नेम्स को ठीक से प्रोनंस नहीं कर पाऊंगा, बट आई ट्राई माई बेस्ट। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो मूवी की शुरुआत तुंगहू यूनिवर्सिटी में होती है और यहां मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में यूनिवर्सिटी के नाम को चेंज किया गया है। इस मूवी की स्टोरी बार बार बैक एंड फोर्थ जाती है, तो इसलिए मैं इस स्टोरी को सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। खैर, मूवी 28 फरवरी 2016 में शुरू होती है जहां तुंगहू यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स एक ब्रिज के पास जाते हैं जिसे फीमेल घोस्ट ब्रिज के नाम से जाना जाता है और वो यहाँ एक करेज टेस्ट करने आए थे। मूवी में यह बताया गया है कि कई साल पहले एक फीमेल स्टूडेंट रात के 12 बजे तक अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार उस ब्रिज पे करती है, पर उसका बॉयफ्रेंड वहां नहीं आता और फाइनली उस लड़की ने लेक में कूद कर अपनी जान दे दी थी और तब से उसकी आत्मा उस ब्रिज के पास भटकती है। स्टूडेंट्स का यह भी मानना था कि उस ब्रिज के पास के स्टेयर केस में 13 स्टेप्स हैं, पर हर रात 12 बजे वहां एक एक्स्ट्रा स्टेप मटेरियलाइज करता है। इसके अलावा लोगों का ये कहना था कि अगर कोई आधी रात को उन स्टेयर्स पे खड़ा होकर पीछे मुड़ता है तो उस लड़की की स्पिरिट आकर उस इंसान को ले जाती है। इन्हीं सभी बातों को टेस्ट करने के लिए तुंगहू यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स एक करेज टेस्ट करने के लिए निकलते हैं और तो और वो सभी इस इंसिडेंट को लाइव रिकॉर्ड भी कर रहे थे। इन स्टूडेंट के ग्रुप में 6 लोग थे और उनमें से एक लड़का जिसका नाम वेन याओ था, उसे बाकी लोग एक चेयर पर बिठाकर ब्लाइंड फोल्ड कर देते हैं। बाकी के 5 स्टूडेंट्स पीछे खड़े हो जाते हैं और वो वेन याओ को रिकॉर्ड करते हैं। वेन याओ अपना ब्लाइंड फोल्ड खोलता है और स्टेयर्स को गिनते हुए उन पर चढ़ने लगता है। अब क्योंकि वेन याओ स्टेयर्स को गिनने लगता है, विच वॉज नॉट पार्ट ऑफ द प्लान, तो बाकी स्टूडेंट्स उसके पीछे जाते हैं, लेकिन वेन याओ नहीं रुकता और तब तक उसके फ्रेंड्स भी स्टेयर्स पे चढ़ चुके थे। तभी उनके पीछे रखा चेयर अपने आप मूव करने लगता है और उस चेयर की आवाज सुनकर वो 5 फ्रेंड्स डर जाते हैं, जिसके परिणाम अनुसार वो पीछे मुड़ते हैं। और जब वो सभी वापस वेन याओ की तरफ मुड़ते हैं तो वेन याओ वहां से गायब हो चुका था। इस पॉइंट पे इन 5 फ्रेंड्स को भी रियलाइज हो गया था कि वो पीछे मुड़ चुके हैं और इसके बाद स्क्रीन ब्लैकआउट कर जाता है। हम व्यूअर सब एक न्यूज़पेपर क्लिपिंग को देखते हैं जिसके हिसाब से उन फ्रेंड्स के ग्रुप के 5 मेंबर्स की मिस्टीरियस तरीके से डूबकर मौत हो गई थी इनसाइड द कैंपस। इस इंसिडेंट के 4 साल बाद यानी 28 फरवरी 2020 में लियान शुयू नाम की एक रिपोर्टर वहां आती है फॉर एन इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी और उसके साथ एक कैमरामैन भी होता है। लियान शुयू पता लगाने चाहती थी कि आखिर उन सभी स्टूडेंट्स के साथ क्या हुआ था। अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान लियान शुयू एक साइकिक की वीडियो देखती है जो कि ये प्रिडिक्ट करता है कि उस ब्रिज पर 4 साल पहले जो हुआ था वो सब फिर से आज रात होने वाला है और जो कोई भी उस ब्रिज के पास मारे जाते हैं उनकी स्पिरिट्स वहां भटकने लगती है। कहानी अब फिर से फ्लैशबैक में जाती है और हम उन 5 स्टूडेंट्स को 2016 में स्टेयर्स के ऊपर देखते हैं और जब वो रियलाइज करते हैं कि वेन याओ वहां से गायब हो गया है तो वो सभी डर कर यूनिवर्सिटी के अंदर भाग जाते हैं। कुछ देर बाद वहां वेन याओ आता है और वो अपने प्रैंक को सक्सेसफुल होता देख खुश हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, वेन याओ ने ही उस चेयर को मूव करवाया था जिससे उसके फ्रेंड्स डर गए थे और इसी एक्साइटमेंट में वेन याओ पीछे मुड़ जाता है और एक घोस्टली हाथ उसके कंधे पे आ जाता है।
ये हाथ और किसी की नहीं बल्कि उसी मरी हुई लड़की की होती है और शायद वही वेन याओ को मार डालती है। इसके बाद हम टी चुआन को देखते हैं जो वेन याओ को फोन लगाता है पर कोई फोन नहीं उठाता। टी चुआन सानियू के साथ मिलकर उस ब्रिज पर जाता है ताकि वो वेन याओ को ढूंढ सके और बाकी तीन फ्रेंड्स अपने डॉम में चले जाते हैं। संग डॉम से निकलकर वॉशरूम में जाता है पर वॉशरूम में कोई उसका डोर जोर जोर से बैंग करता है। संग बाथरूम स्टॉल के नीचे से बाहर देखता है पर उसे वहां कोई नहीं मिलता। पर जब वो स्टॉल से बाहर आता है तो वो देखता है कि सारे टैप्स खुले हुए हैं। संग टैप्स को बंद करता है लेकिन तभी उसके सामने एक बकेट आ जाता है और एक घोस्ट की आकृति संग को उस बकेट में डुबा कर मार देती है। दूसरी तरफ हसीन चियाओ और यू चिंग गर्ल्स बाथरूम में जाते हैं और यू चिंग सभी चीज़ों को रिकॉर्ड कर रही होती है। जब हसीन चियाओ वॉशरूम में होती है तो उसे ऐसा लगता है मानो वॉशरूम में कोई है और वो यू चिंग को चेक करने बोलती है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। यहाँ यू चिंग हसीन चियाओ को डरा देती है जिससे हसीन चियाओ नाराज होकर वहां से चली जाती है। यू चिंग का हाथ गंदा हो गया होता है और वो उसे साफ करने लगती है लेकिन जब यू चिंग वॉशरूम से बाहर निकलती है तो वो अपने सामने संग की पजेस्ड बॉडी को देखती है जिससे वो डरकर भाग जाती है। मीनवाइल हसीन चियाओ एक डॉर्म रूम में जाती है जहां कोई उसका पैर पकड़ लेता है और इससे डरकर वो बेड के ऊपर चढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों उस भूतिया लड़की की स्पिरिट यहां आ जाती है और उस डॉर्म का डोर अपने आप लॉक हो जाता है। हसीन चियाओ जोर से चिल्लाने लगती है और वहां यू चिंग आ जाती है जिसके बाद वो दोनों डोर खोलकर बाहर निकल जाते हैं। जब दोनों फ्रेंड्स स्टेयर्स से नीचे आ रहे होते हैं तो वो नोटिस करते हैं कि स्टेयर्स खत्म ही नहीं हो रहे, यानी कि उस लड़की की स्पिरिट स्पेस को मैनिपुलेट कर रही थी। तभी वो दोनों एक डोर खोलते हैं और स्टेयर केस से बाहर निकलते हैं लेकिन वो देखते हैं कि वो दोनों छत के ऊपर पहुंच चुके हैं। यू चिंग अब काफी डरी हुई थी और हसीन चियाओ से प्रॉमिस करती है कि वो उसका ख्याल रखेगी, लेकिन तभी उस लड़की की घोस्ट वहां जाती है और वो हसीन चियाओ को नीचे गिरा देती है। इसके ठीक बाद वो घोस्ट यू चिंग को पानी के टैंक में डुबा कर मार देती है। इसी बीच टी चुआन और सानू को वेन याओ का फोन ब्रिज पे पड़ा मिलता है जिसके बाद वो दोनों सीसीटीवी रूम में जाते हैं टू चेक द कैमरास क्योंकि उन्हें लगता है कि वेन याओ शायद कैंपस के अंदर ही है। यहाँ सानू टी चुआन से पूछती है कि क्या सच में उस ब्रिज पर उस लड़की की मौत हुई थी और टी चुआन बताता है कि वो लड़की ब्रिज पर अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही थी लेकिन वो नहीं आया और जब वो लड़की ब्रिज के 13th step पर होती है तो वहां 5 लोग उसे खींच कर ले जाते हैं। ये 5 लोग उस लड़की को मॉलेस्ट करते हैं और फिर उस लड़की को पानी में फेंक देते हैं टू डाई। तभी सीसीटीवी पे सानू को एक लड़की दिखाई देती है और पहले तो ये लड़की कैमरा से दूर खड़ी होती है लेकिन फिर अचानक वो उस कैमरा के पास आ जाती है जिससे सानू डर जाती है। अब दोस्तों यहाँ अजीब बात यह थी कि टी चुआन को कुछ दिखाई नहीं दिया था। खैर इसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं और एक रूम में पहुंचते हैं जहां काफी सारे मैनिक्विंस वगैरह थे लेकिन उस रूम में लाइट्स आउट थे। टी चुआन सानू को डोर के पास रहने कहता है और खुद अंदर जाता है टू स्विच ऑन द लाइट्स लेकिन टी चुआन को वहां वेन याओ दिखता है और वो उसके पीछे जाने लगता है और इसी दौरान सानू रूम में आकर टी चुआन को ढूंढने लगती है लेकिन टी चुआन सानू को नहीं मिलता और उस भूतिया लड़की की स्पिरिट उस रूम में सानू को डराने लगती है। उस रूम में कुछ मैनिक्विंस अपने आप मूव करने लगते हैं जिससे सानू बहुत डर जाती है लेकिन टी चुआन वहां आ जाता है और वो दोनों उस रूम से भाग जाते हैं। जब वो भाग रहे होते हैं तो उन्हें हसीन चियाओ दिखती है जो कि असल में उस भूतिया लड़की का घोस्ट था और वो टी चुआन और सानू को उसके पीछे आने बोलती है। दोनों उसके पीछे जाते हैं लेकिन जल्दी वो रियलाइज करते हैं कि हसीन चियाओ उन्हें ब्रिज की तरफ ले जा रही है और ये बात समझते ही वो भागने की कोशिश करते हैं लेकिन वो स्पिरिट सानू को हवा में खींच कर ले जाती है। मीनवाइल हम व्यूअर्स देखते हैं कि असली हसीन चियाओ को होश आ चुका था और वो वहां से भागने लगती है। हसीन चियाओ जब ब्रिज के पास पहुंचती है तो उसे वहां यू चिंग की पजेस्ड बॉडी दिखती है और यू चिंग हसीन चियाओ से कहती है कि उसने उसे नहीं बचाया। तभी उस भूतिया लड़की की स्पिरिट यू चिंग के पीछे आ जाती है और जब हसीन चियाओ भागने की कोशिश करती है तो उस लड़की की स्पिरिट हसीन चियाओ को घसीट कर ले जाती है। मूवी यहाँ प्रेजेंट में वापस शिफ्ट होती है और लियान शुयू सीसीटीवी फुटेज को देखकर ये रियलाइज करती है कि उस रात 2016 में 6 लोग थे लेकिन न्यूज में सिर्फ 5 लोगों के मौत का जिक्र हुआ था। लियान उस रूम में रखे कुछ स्टूडेंट यूनियन फोटोज को देखती है और वो उस 6th student को ढूंढने लगती है। लियान यूनिवर्सिटी के कुछ फाइल्स भी देखती है और उसे पता चलता है कि कैंपस में 2012 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, यानी कि तब भी 5 students की मौत हुई थी लेकिन इस बात को न्यूज़ में कवर नहीं किया गया था और लियान सिर्फ 2016 के केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी।
कुछ फोटोग्राफ्स को देखकर लियान रियलाइज करती है कि 2012 और 2016 के इंसिडेंट्स में हसीन शियाओ वाज द कॉमन लिंक, यानी कि हसीन शियाओ दोनों इंसिडेंट्स में प्रेजेंट थी। ये बात लियान को परेशान करती है कि हसीन शियाओ 2012 में कैसे बच गई थी और फिर वो 2016 में वही करेज टेस्ट क्यों करती है। तभी हम व्यूअर्स फिर से फ्लैशबैक देखते हैं कि सान्नू को एक पजेस्ड हसीन शियाओ ब्रिज पर लेकर जाती है और उसे मारने की कोशिश करती है, पर तभी वहां टी चुआन आ जाता है और वो हसीन शियाओ को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हसीन शियाओ सान्नू को मार देती है। टी चुआन डर कर वहां से भाग जाता है और हसीन शियाओ उसके पीछे जाती है। टी चुआन हसीन शियाओ से कहता है कि वो उसे न मारे, बदले में टी चुआन कुछ भी करेगा। हसीन शियाओ कहती है कि आज 5 लोगों को मरना ही होगा और वो टी चुआन को एक ब्रिक उठाकर देती है और वो कहती है कि टी चुआन उसे मार दे क्योंकि ऐसा करने से टी चुआन की जान बच जाएगी। उतने में उस भूतिया लड़की की स्प्रिट वहां जाती है और वो टी चुआन पर अटैक कर देती है और टी चुआन ब्रिक से हसीन शियाओ को हिट कर देता है, जिसके बाद स्क्रीन ब्लैंक हो जाता है। अब आई नो आप यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो मैं आपको एकदम क्लियर वे में बताता हूँ कि एक्चुअली इधर हो क्या रहा है। तो हसीन शियाओ ने 2020 में यही करेज टेस्ट लिया था अलॉन्ग विद 5 फ्रेंड्स और तब उसने भूतिया लड़की के स्पिरिट से सौदा किया था कि अगर ये भूतिया लड़की की स्पिरिट हसीन शियाओ को जिंदा छोड़ देगी तो हसीन शियाओ 4 साल बाद 5 स्टूडेंट्स को वहां लेकर आएगी ताकि उस लड़की की स्पिरिट उन्हें मार सके। इस डील से हसीन शियाओ 2012 में तो बच जाती है, लेकिन वो 4 साल से उस स्पिरिट के कंट्रोल में होती है और अगले कुछ सीन्स में हम देखते हैं कि कैसे हसीन शियाओ ने 2016 में अपने फ्रेंड्स को मैनिपुलेट करके करेज टेस्ट के लिए उस हॉन्टेड ब्रिज को चुना था और थ्रू आउट द टेस्ट वो उस भूतिया लड़की के स्पिरिट की मदद कर रही थी। खैर, मूवी अब फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होती है और हम लियान को 2016 के कुछ पिक्चर्स को देखते हुए पाते हैं। लियान का कैमरामैन तभी ब्रिज पर जाता है क्योंकि उसने 5 स्टूडेंट्स को बुलाया था ताकि वो टेस्ट कर सके इफ ऑल द रूमर्स अबाउट द हॉन्टिंग वाज रियल। लेकिन जब लियान रियलाइज करती है कि आज ही की रात 2012 में और फिर 2016 में 5 लोग मारे गए थे, तो वो अपने कैमरामैन को फोन लगाती है टू स्टॉप हिम। लेकिन तभी लियान की नज़र अपने कंप्यूटर में एक फोटो पे पड़ती है और वो 2016 के पूरे ग्रुप को दिखाती है। इसमें 5 लोग पिक्चर में थे, संग, यू चिंग, हसीन चियाओ, वेन याओ और सान यू, और जिसने उनकी फोटोज खींची थी यानी कि 6th मेंबर ऑफ द ग्रुप, उसकी तस्वीर मिरर से रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई दे रही थी। लियान स्टूडेंट की फोटो को देखकर रियलाइज करती है कि वो 6 स्टूडेंट यानी टी चुआन और कोई नहीं बल्कि उसका प्रेजेंट कैमरामैन है। जी हाँ दोस्तों, जो डील हसीन चियाओ ने उस लड़की की स्पिरिट से 2012 में की थी टू सेव हर लाइफ, वही डील टी चुआन ने भी की थी इन 2016, जिसके बाद वो उस इंसिडेंट को सर्वाइव कर गया और हसीन चियाओ मारी गई थ्रू द ब्रिक। लियान को उस लड़की की स्पिरिट उसके कंप्यूटर स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट होते हुए दिखती है और तभी टी चुआन लियान के पीछे आ जाता है। टी चुआन लियान से कहता है कि जिंदा रहने के लिए उसने बहुत सफर किया है, जिसके बाद वो लियान पर अटैक कर देता है। सीन अब शिफ्ट होकर ब्रिज पर टी चुआन को 5 स्टूडेंट्स को रिकॉर्ड करते हुए दिखाता है जिन्हें उसने कुछ पैसे देकर ये टेस्ट करने के लिए राजी करवाया था। टी चुआन इन स्टूडेंट्स को 12 बजे उन स्टेयर्स को गिनते हुए चढ़ने बोलता है और कहता है कि जब वो एंड पहुंच जाए तो उन्हें पीछे मुड़कर देखना होगा। हम व्यूअर्स टी चुआन को मैलिकुलसली मुस्कुराते हुए देखते हैं और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी ब्रिज गर्ल्स फिल्म की कहानी और इस फिल्म की स्टोरी लाइन बहुत ही सिंपल है, तो इसमें कोई थियरीज वगैरह नहीं है। इस फिल्म की इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एक रियल लाइफ अर्बन लेजेंड से इंस्पायर्ड है और मुझे उम्मीद है कि आपको इसके बारे में जानना इंटरेस्टिंग लगा होगा। फिल्म के ट्विस्ट की बात करी जाए तो हम ये समझ पाते हैं कि उस भूतिया लड़की की स्पिरिट हर बार किसी एक विक्टिम का जान बख्श के उसके साथ सौदा कर लेती थी ताकि उसे 4 साल बाद फिर से नए विक्टिम्स मिल पाए। ये भूतिया स्पिरिट से 5 लोगों को मारती थी और गौर की जाए तो वो हमेशा 28 फरवरी की रात को ये काम करती थी, यानी कि लोगों को मारते मारते 29 फरवरी हो ही जाएगा। और मैं 29 फरवरी इसलिए कह रहा क्योंकि जब भी ये मर्डर्स हुए थे वो ईयर्स थे 2012, 2016 या 2020, जो कि एक लीप ईयर है। सो आई डोंट थिंक ये सब एक कोइंसिडेंस है, बल्कि आई थिंक दिस वाज अ प्रॉपर प्लान बाय द डायरेक्टर ऑफ दिस मूवी। इन छोटी मोटी डिटेल्स के अलावा फिल्म की कहानी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन कैरेक्टर्स के नेम थोड़े कन्फ्यूजिंग थे। बट आई स्टिल होप कि आपको ये फिल्म की कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।